हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना प्रॉपर्टी यानी प्लॉट दिखाने वाला हूं जहां पे हम नए घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ से आपको इसका आपको गेट भी दिख रहा होगा, तो इस गेट के अंदर हमने एंट्री करना है। बेसिकली यहाँ सिक्योरिटी चेक है, अगर आप गेट से आएंगे तो यहाँ पर आपको ये मॉडल टाउन कहते हैं, और गेट से अंदर आने के जस्ट बाद हम लोगों ने सीधे सीधे जाना है, कहीं टर्न नहीं करना। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं जो भी रोड से हमारे रोड से किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, और ऐसे ही हमारे भी घर के सामने जो रोड है उसके भी अराउंड में पेड़ लगाने का वो है। और यहाँ से फिर हमें एक राइट ये जो घर बन रही हैं ये बस हमारे घर के पास ही हैं, इनके बस बगल वाला घर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ तो कंस्ट्रक्शन भाई साहब ने लगा दिया है, ये भी बहुत अच्छे लोग हैं। एंड ये जो घर देख रहे हैं ये भी हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर का घर है जो यहाँ वाला स्कूल के हैं। और यहाँ से हमने स्ट्रेट जाना है सीधे, ये पहला प्लॉट छोड़ के दूसरा प्लॉट, और दूसरे प्लॉट के बाद ये वाला हमारा सेकंड प्लॉट। ये भी रोड है एक्चुअली, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, पक्का रोड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ भी साइड में पेड़ के लिए यहाँ जगह दोनों साइड में लगे छुड़े हुए हैं। और ये है मेरा प्लॉट, ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री यहाँ से लेकर के ये पूरा, तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 36.4 फिट एंड ये बैक में 63 फिट, तो समवेयर अराउंड 2300 स्क्वायर फुट का प्लॉट है ये। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये हमारे सीए साहब का है, और फिर ये प्लॉट एक और कोई है उनका है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ का रूल अलग ही है क्योंकि फिर मिट्टी सेटलमेंट में टाइम भी लगेगा, और मिट्टी नींव डलवाने के लिए हमें मैप पास करवाना पड़ेगा म्यूनसिपैलिटी से। ये म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है, MC के अंदर, तो पहले वहाँ पर मैप वगैरह पास होंगे, उसके बाद मिट्टी डाल करके फिर थोड़े दिन सेटलमेंट के लिए छोड़ेंगे, फिर जल्दी सबकी दुआ होगी, सबका प्यार होगा, तो हम लोग घर बनाना भी स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आपको प्लॉट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी चलिए घर चलते हैं। और ये पेट्रोल पंप भी उन्हीं का है जिनका ये प्लॉट था, मतलब जो बिल्डर का था साथ में, तो बिल्कुल पास में। और यहाँ से आप सामने बोर्ड देख ही रहे हैं, वो बराडा का मेन एंट्रेंस है, यानी कि टोटल यहाँ से बराडा स्टेशन आप लोग को 1.5 या 2 किलोमीटर के अराउंड आएगा, तो काफ़ी नज़दीक है। बेस्ट एरिया था, मेरे को शांत वगैरह लगा, हीरो का शोरूम, मारुति शोरूम, सब कुछ यहाँ पास में, और थोड़ा सा आउटर में तो मेरे को अच्छा लगता है। बाकी आपको कैसा लगा बताना। और अभी गाइज आज की ब्लॉग तो मैं कार से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी निशा मेरे साथ है, अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी मनीषा को लेने, और मनीषा का आज कॉलेज हाफ डे है क्योंकि आज वैसे भी सैटरडे है, और प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि उसके एग्ज़ाम से मंडे से, तो मैंने बोला कि यार मैं जा रहा हूँ उसको लाने, तो मनीषा ये बोली कि अभी मैम गई नहीं है। अच्छा, मनीषा का मैसेज आ रहा है कि अभी मैम गई नहीं है, मैम जाएंगी फिर मैं फ्री होंगी, तो अभी ये बोली कि मैं भी चलती हूँ यूनिवर्सिटी, और कुछ मनीषा के बुक्स थे वो रिटर्न करने, तो वो बुक्स भी मैं ले लिया हूँ साथ में क्योंकि लाइब्रेरी के बुक्स थे, तो उसको रिटर्न भी करना है। बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक, उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो धोबी का कपड़ा लेते आते, धोबी का कपड़ा है, धोबी को देने वाला कपड़ा भी है, लेते हो, हम बाहर यहीं पे वेट कर रहे हैं। अच्छा है, मैसेज कर रही है, घर पे ही रखे हैं, घर पे ही रखा हुआ है, लेते हो सारा उठा के। सो गाइज, अब हम लोग पहुँच चुके हैं यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर ये बुक कैरी कर रही है मनीषा की, क्योंकि सारी बुक्स लाइब्रेरी में ले जाना है, इनसे उठता तो है नहीं, पता नहीं कैसे मनीषा उठाने के डर से ही गाड़ी में छोड़ के गई थी सुबह, अभी दोबारा से अभी बुक लेकर के आए हैं। देखिए मनीषा भी आ ही गई। तो गाइस गौर से देखो इस चेहरे को, यही है वो चिमकांडी, यही है वो चिमकांडी लड़की, पूरा घूम रही है, गौर से देखिए इस चेहरे को, ये कौन है, ये कौन लड़की है, यही वो पार्क है जहाँ इसके ऊपर प्रैंक हो गया था गंदे वाला। और निशा दे दो बुक, गिर गया था क्या, पकड़ो उससे, बुक पकड़ा नहीं जा रहा है, चक्कर वक्कर आ जाएगा, इतना भारी भारी बुक, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई। अब ये गाड़ी में रख देते हैं, ठीक है, भारी है, भारी है, तुमको तो खुद ही चक्कर आ रहा है।
भाई मैं बहुत भारी है। जाओ जाओ जल्दी जल्दी दे करके आओ। कितना देर वेट करें? यही पर के मार इस बिल्डिंग पे। हम लोग कुछ खाएं क्या तब तक? नहीं आ जाने दीजिए। आओ उधर ऑर्डर करते हैं तब तक। गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों मम्मी बेटी दोनों माँ बेटी का यहाँ पर क्या हो रहा है। कपड़ा से हैराई समारोह हो रहा है और उसमें सारा का सारा सामान रखा जा रहा है। चूहा नहीं काटेगा, चूहा रहेगा तब ना काटेगा। तुम दरवाजा खोल के छोड़ दोगे चूहा घुसेगा। और यहाँ देखिए इतना ज्यादा कपड़ा का भंडार है, पूरा भंडारा है यहाँ पर इनका। धरा धरा जल्दी बैठो पहले ठीक से। दोस्तों अभी रात का लगभग 12:33 हो रहा है और सब कोई सो गया है, सब कोई सो गया है, यहाँ तक कि मिस्टर राज भी सो गए हैं पूरे नींद में। और आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं, मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने अलमीरा लगा दिया है, इस पर मैं अपना सारा ड्रेस वगैरह रखी हूँ, मेरे बाल खुल गए। गाइस पता है कल हमारा, कल तो संडे है तो इसलिए मैं आज उठ रही हूँ। कल संडे है इसलिए मेरे को रात में आज बहुत तेज़ भूख लग गई थी, बहुत तेज़ भूख लग गई थी। 12:37 हो रहा है फिर मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, यहाँ पे प्लेट भी मैं रखी हूँ रूम में। और तो और कल संडे है तो कल थोड़ा लेट तो सोऊंगी फिर से। अभी मेरे को एग्ज़ाम का भी तैयारी करना था तो मैंने अपना पढ़ाई भी कम्प्लीट कर लिया, मतलब पैथोलॉजी का थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया है। और देखते हैं कल क्या होता है। कल वैसे कहीं घूमने जाने का प्लान बनता है, मम्मी पापा भी आए हुए हैं, वो लोग भी इतने दिन से मतलब कहीं घूमने हम लोग नहीं जा रहे, तो मेरे को लग रहा था वो लोग बोर हो रहे होंगे। और हमारे पतिदेव सो गए हैं, चलिए अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। मैं सोची चलो आप लोग के साथ एक बार वीडियो आप लोग के सामने शूट कर देती हूँ, क्योंकि इतना रात को मैं बहुत कम ब्लॉगिंग करती हूँ। तो बस आप लोग बने रहना क्योंकि सुबह मैं मिलते हैं और ब्लॉग बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, बहुत ही ख़तरनाक, इसलिए आप लोग ब्लॉग को पूरे एंड तक देखना, ठीक है? बाय। सो गाइस सुप्रभात, आज है संडे और संडे यानी कि फन डे, बहुत सारा फन करना है। तो मम्मी पापा सब लोग बोर हो रहे थे, मनीषा रात भर पढ़ भी रही थी थोड़ा बहुत, तो मैंने बोला कि चलो अभी थोड़ा घूम के आते हैं पास में। अभी वो अंदर गाने बजा रही है, खैर शी इज़ गेटिंग रेडी। बाकी देखते हैं सब लोगों का क्या नज़ारा है। तो यहाँ पे निशा मम्मी एकदम सोई हुई है आराम से और निशा का मेकअप ख़त्म नहीं हो रहा, एकदम तैयार हो रही है जाने के लिए। नहीं जाना है ना? हाँ। तो तुमको लोग बोल रहे थे कि बहुत सारा तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, अभी पड़ेगी ना? मम्मी मम्मी रेडी हो गई है, शाम तक आ जाएंगे लोग, जहाँ भी जाना है जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। तो मम्मी अब रेडी होकर एकदम बैठी हुई है। कहाँ जा रही हैं आप, पता है कुछ? तो अभी इनको भी नहीं पता है कि हम लोग जा कहाँ रहे। तो निशा से करते हैं कुछ बात। निशा तुमको मनीषा बहुत पिटाई करती थी पहले, झोटा नोच नोच के? नहीं नहीं, क्या खुद बोली है वीडियो में काका? अभी मम्मी बोल रही थी कि हाँ अभी रात को हार पता इसको बता। तुम्हारा कोटिंग होता है सुनने में आया? नहीं होता। देखिए इसका क्रीम खत्म हो गया, लेकिन क्रीम क्रीम का जान निकाल निकाल के लगा रही है, जबकि घर में इतना सारा क्रीम पड़ा हुआ है, फिर भी इसको कौन सा क्रीम चाहिए? अच्छा लोटस वाला ही चाहिए, ये लोटस का क्रीम, लोटस रोज आम का क्रीम होना चाहिए। खैर अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से कहीं निकलने वाले हैं कहीं घूमने, और क्योंकि आज संडे है बहुत दिन से हम लोग कहीं गए भी नहीं हुए थे। तो एक पापा कहाँ गए हैं? अच्छा तो पापा पहले ही कहीं बाहर निकले हुए टहलने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल नहाने वहाने जाऊँगा, सब लोग नहा धो के रेडी है, मैं ही लेट हो गया था और अब मैं नहा धोवा करके निकलूँगा, फिर फटाफट यहाँ से हम लोग कहीं जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। बस जहाँ भी जा रहे हैं आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो एक ट्रिप होते रहना चाहिए, है कि नहीं? लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन एंड एन्जॉयमेंट, तो मज़े तो करने पड़ेंगे, है ना? बाकी मनीषा आई थिंक अब रेडी हो रही है, बंद है अभी डोर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाई साहब इतना कुरियर रखा हुआ है, अभी और भी कुरियर्स आए हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखाने हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं रिव्यूज़ के लिए वो हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज होते हैं कि बाप रे इतना सारा ये लोग शॉपिंग करते हैं, तो दैट इज़ द अदर वे, वी गेट सम प्रोडक्ट्स फॉर द रिव्यूज़ और फिर रिव्यू हम लोग को देना होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब।
चलिए बने रहिएगा आप लोग, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। पापा जी भी आ गए, कहाँ गए हुए थे? अच्छा फेयर लवली निशा हाथी ओ फेयर लवली लेने के लिए भेजी थी। आप फेयर लवली लगाते हैं? देखिए पापा का इस कितना लाएंगे एक ही बार पूरा सबके लिए एक एक आ गया मम्मी के लिए, निशा के लिए, मनीषा के लिए। और इन लोगों को मम्मी को शैम्पू ज्यादा, ये शैम्पू कौन लाया है, किसके लिए लाया है? क्लिनिक प्लस इन लोगों का फेवरेट शैम्पू है। घर में इतने सारे शैम्पूस पड़े हुए हैं हमारे पास, पहले भी हमने purple.com से बहुत सारे शैम्पूस किए हुए थे, फिर भी शैम्पू आया हुआ है। खैर जस्ट होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।